हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ कि कैसे एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकता है और जिस अकाउंट के थ्रू आप अपने नया मोबाइल पे कोई भी ऐप का डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि इस गूगल अकाउंट के थ्रू आपका मोबाइल में जो प्ले स्टोर है उन प्ले स्टोर के द्वारा कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब ये सब कुछ करने के लिए आपको इस गूगल अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा आजकल के डेली लाइफ में जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उस सब में आपको शॉपिंग करने के लिए भी इस गूगल अकाउंट यानी जीमेल अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो एक बात मैं कहने ये सकता हूँ कि गूगल अकाउंट ही आज की डेली लाइफ में एवरीथिंग है। तो चलो गाइस, हम देखते हैं कि कैसे ये गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं कि डेली। गूगल अकाउंट खोलने के लिए आप पहले जाइए क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आप लिख दीजिए www.google.com और उसके सर्च करने के बाद आपके सामने आएगा एक इस तरह का इंटरफेस और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो, ये इसलिए आ रहा है कि मेरा ऑलरेडी गूगल अकाउंट है और इसलिए ये चेकिंग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। थोड़ा वेट कीजिए और जब आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट वहाँ पे क्लिक कीजिए। और ये आप अपने खुद के लिए भी बना सकता है और अपना बिजनेस के लिए भी बना सकता है। मैंने फॉर माई सेल्फ दे दिया और उसके बाद आपका जिस बिजनेस के जो नाम है वो डाल दीजिए या आप अपने यूट्यूब चैनल का जो नाम है उसी हिसाब से यहाँ पर भी डाल दीजिए। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है टेक्नो और लास्ट नेम पे कुछ भी डाल दीजिए यानी आपका नाम भी डाल दीजिए। जैसे मेरा नाम है अर्जु, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब यहाँ पे आपका जेंडर भर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके चैनल के हिसाब के नाम के ये जीमेल अकाउंट उन लोगों ने प्रोवाइड किया है और इनमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने पहला सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका ये खुद का पासवर्ड बनाना है और वही पासवर्ड आपको फुल्ली याद रखना होगा क्योंकि ये बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट डाल दीजिए, मतलब 8 करेक्टर्स होना पड़ेगा इसीलिए ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करके आप यस आई एम इन पे आ जाइए और उसके बाद देखिए ये आपका गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डाल दीजिए। नेक्स्ट डालने के बाद स्क्रॉल कीजिए और उसके बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशन का आई एग्री पे क्लिक कीजिए। मेरा नोट थोड़ा स्लो है आज। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस और आपका स्क्रीन लॉक भी मांग सकता है और देखिए ये आपका गूगल अकाउंट ओपन हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।